दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार कि आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिखाया, हमें जिस तरह से सपोर्ट किया, आज हमारी YouTube की फैमिली 2 लाख मेंबर्स की फैमिली हो गई है। ये पॉसिबल हुआ है आपके ही प्यार से और आपके ही सपोर्ट से। हम आशा करते हैं इसी तरह आपका प्यार, आपका सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग जिस ढंग से प्यार दिखा रहे हैं, जिस ढंग से हमें सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए हमें ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको हम पे बैक करें। तो हम पे बैक कैसे करेंगे? हम आपके लिए ऑप्शन की एक हमारी एक पेड हमारा एक पेड प्रोग्राम है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर, वो प्रोग्राम हम आपके लिए फ्री में YouTube पे रिलीज करेंगे। आप ये हम इसीलिए कर रहे हैं, एक हमारे तरफ से एक पे बैक है आप लोगों का सपोर्ट का, आप लोगों के प्यार का। तो आप ये ऑप्शन प्रोग्राम देखिए, आने वाले कुछ हफ्तों में हम एक एक करके ये ग्रीक के ऑप्शन प्रोग्राम को फ्री में रिलीज करेंगे। आप लोग देखिए, फायदा उठाइए और खूब कमाइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। भरत झुंझुनवाला, इस प्रोग्राम में हम ग्रीक्स को ऑप्शंस में जो ग्रीक्स यूज होते हैं उनके बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने जब ये प्रोग्राम चालू किया या आप लोगों ने जब ये प्रोग्राम अगर आप ये लेने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही सवाल आता होगा कि क्या ग्रीक्स इंपॉर्टेंट है या क्या हमें ग्रीक्स सीखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो, आपका एम है सीरियस ऑप्शन ट्रेडिंग करना, जब आपको ग्रीक्स सीखने की, ग्रीक्स को समझने की बहुत जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप रूकी ट्रेडिंग करना चाहते हो कि हाँ भाई इससे पूछ लिया क्या निफ्टी लगता है 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, चलो निफ्टी का कॉल खरीद लेते हैं, भैया क्या निफ्टी लगता है 200 पॉइंट नीचे जाएगा, भाई चल निफ्टी का पुट खरीद लेते, तो आप अगर इस तरह की ट्रेडिंग करने पे इंटरेस्टेड हो तब तो आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आराम से अपने ब्रोकर से टिप्स लीजिए, आराम से अपने दोस्तों से टिप्स लीजिए और ऐसे ही कॉल पुट खरीदते रहिए, बेचते रहिए। लेकिन अगर आप सीरियस हैं और आप सच्ची में आप अगर आपको लग रहा है कि आपको सीरियसली ट्रेडिंग करनी है ऑप्शंस को लेकर और सीरियसली पैसा बनाना है, तब आपको ग्रीक सीखने की बहुत जरूरत है। तो ग्रीक्स क्या होते हैं? एक्चुअली हम ग्रीक्स एक ब्लैक्सकोल्स फॉर्मूला होता है, उससे ग्रीक्स डिराइव होते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस मॉड्यूल में आपको ग्रीक्स के बारे में जितनी हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज दूं। ऑफकोर्स अगर आप देखोगे काफी जगह ग्रीक्स को काफी थ्योरेटिकली सिखाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन मैं आप ये कोशिश करूंगा कि यहां पर ग्रीक्स में आपके साथ पूरा डिस्कशन करूं चार्ट्स पे, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ग्रीक्स अगर चेंज होते हैं तो कैसा होते हैं। ऑफ कोर्स थ्योरी हम रीड जरूर करते चलेंगे, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस होगी सारी प्रैक्टिकल्स में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको ग्रीक्स को फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सको। तो सबसे पहले ये मैथमेटिकली डिराइव्ड होते हैं और मैथमेटिकली डेरिवेशन के बाद हमें ग्रीक से क्या पता चलता है, हमें रिस्क सेंसिटिविटीज पता चलती है। मतलब कि आपने जो ऑप्शन खरीद रखी है या जो आपने ऑप्शंस बेच रखी है या जो आपके ऑप्शंस की पोजीशन है उनकी रिस्क सेंसिटिविटी कितनी है, मतलब कि कौन कौन से रिस्क को सेंसिटिव है वो ऑप्शन, क्या प्राइस के रिस्क को सेंसिटिव है, कितना टाइम के रिस्क को सेंसिटिव है, कितना वॉलेटिलिटी के रिस्क को सेंसिटिव है। मतलब कि आपने जो ऑप्शन खरीदा है उसमें प्राइस रिस्क कितना है, टाइम रिस्क कितना है, वॉलेटिलिटी रिस्क कितना है, ये हमें ग्रीक से ही पता चलता है और कोई भी मेजर नहीं है जो हमें ये बता सकता है। रिस्क मेजर्स मतलब वही कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए टाइम के हिसाब से। 15 दिन बाकी है ऑप्शंस की एक्सपायरी में तो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, 20 दिन बाकी है ऑप्शन की एक्सपायरी में अलग स्ट्रैटेजी होती है, 45 दिन बाकी है ऑप्शन की एक्सपायरी में अलग स्ट्रैटेजीज होती है। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है तो अलग अलग रिस्क मेजर होता है और वो रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है, ग्रीक्स के थ्रू मेजर किया जाएगा। हेज पैरामीटर्स, अब कई ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जैसे आप यूज करेंगे आयरन कॉन्डोर यूज करेंगे जो हम देखेंगे, आप आयरन बटरफ्लाई यूज करेंगे, आप वर्टिकल पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड या वर्टिकल स्प्रेड्स यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग में, तो वहां पर आपको अपनी पोजीशंस को हेज करना होता है या आपके फ्यूचर्स में आपने कोई पोजीशंस ले रखी है उनको हेज करना होता है। तो उनको हेज करने के लिए हमें ऑफकोर्स ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है। तो वहां पर
कौन से पैरामीटर्स को देखना है वो समझना जरूरी होता है। तो ऑप्शन ग्रीक्स, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा या अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये ऑप्शन ग्रीक जब हम बात करते हैं एक एक पैरामीटर की। ग्रीक्स की यूज क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि रिस्क मैनेजमेंट का टूल है और हर एक ग्रीक जिसकी हम बात करेंगे, अलग अलग ग्रीक्स होते हैं, वैसे काफी ग्रीक्स होते हैं, हम चार पांच मेन ग्रीक्स की बात करेंगे जो हमें ज्यादातर काम लेना है। हर एक ग्रीक आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को कितना अफेक्ट कर रहा है ये हम देखेंगे इस मॉड्यूल में। मतलब कि अगर आपने 10,000 का कॉल खरीद रखा है तो 10,000 के कॉल में काफी ग्रीक्स होते हैं। अब वो जो ऑप्शन का जो कॉल होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो डेल्टा से बना होता है, वेगा से बना होता है, थीटा से बना होता है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो डेल्टा से अफेक्टेड है। तो कितनी आपकी जो ऑप्शन का जो आपका पोर्टफोलियो है या जो आपका ऑप्शन का पोजीशन है उसको कौन सा ग्रीक कितना अफेक्ट कर रहा है। कहीं आप ज्यादा तो एक्सपोज नहीं हो गए, आप समझिए आप कोई कहीं आप कुछ लॉन्ग करना चाहते हैं तो आपने बैंक निफ्टी का कॉल खरीद रखा है और आपने कॉल खरीदते गए तो आपको पता लग जाएगा, जब हम डेल्टा देखेंगे आपको उसके डेल्टा को देख के पता लग जाएगा कि आपका एक्सपोजर कितना हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा एक्सपोज हो गए तो उस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यही एक तरीका होता है अपने पोजीशंस को मैनेज करने का, अपने रिस्क एक्सपोजर को पहचानने का कि कहीं आपके पोर्टफोलियो को वोलेटिलिटी का डर तो नहीं, कहीं आपके पोर्टफोलियो को टाइम वैल्यू तेजी से नहीं खा रही है। तो ये सब चीजों को देखने का तरीका होता है ग्रीक्स, और ये अगर आप रीड कर लोगे ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप टाइम वैल्यू को रीड कर सकते हो, कैसे आप वोलेटिलिटी को समझ सकते हो, कैसे आप डेल्टा मतलब प्राइस मूवमेंट को समझ सकते हो। अगर आपके कंट्रोल में ये सब हो जाए तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट काफी सरल हो जाएगी। और मोस्ट कॉमन ग्रीक्स जिसे हम बोलते हैं, जहां आप काफी सुन रखे होंगे, डेल्टा वेगा थीटा होता है, रो होता है और एक गामा। गामा जो होता है ये भी एक अभी कॉमन जो आने, ये सेकंड डेरिवेटिव है लेकिन अभी काफी यूज आने लग गया। तो बेसिकली डेल्टा वेगा थीटा और गामा, ये चार ग्रीक्स के बारे में हम इस देखेंगे इस पूरे कोर्स में। और यकीन मानिए, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग पहले आप जैसे करते थे, हो सकता है कि आप अभी भी स्ट्रैटेजीज बना के करते हो, आप आयरन कॉन्डोर करते हो, बटरफ्लाई करते हो, या बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अभी भी आप ट्रेड करते हो, लेकिन अगर आपको ये रिस्क ये ग्रीक समझ में आ जाए, या आप किसी और के कहने पे भी करते होगे, समझिए आपका कोई एडवाइजर होगा या कोई भी होगा, आप उसके कहने पे भी करते होगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए, आपको ग्रीक समझ में आ जाए, तो आपकी ट्रेडिंग, आपका रिस्क कितना है, किस चीज से आपको रिस्क है, कौन सा कंपोनेंट है जो आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, वो आपको सब समझ में आने लगेगा। तो एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं, सब इन ग्रीक्स को देखेंगे, एक एक करके डिटेल में देखेंगे और बहुत प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको समझ में आना जरूरी है। सिर्फ कहीं से उठा के किसी किताब से आपके सामने पढ़ देना या किसी किताब से उठा के पावर पॉइंट बना देना मेरी इंटेंशन नहीं है, एक एक चीज आपको प्रैक्टिकली समझाना मेरा काम है। तो एक एक करके सारे ग्रीक्स को देखना शुरू करते हैं। सबसे आसान ग्रीक या आसान क्या बोलिए आप, सबसे कॉमन ग्रीक होता है डेल्टा। डेल्टा आपको क्या बताता है ये देखते हैं। तो आपको ये पता है कि ऑप्शन जो है एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वो किसी और चीज से डिराइव्ड होती है। तो अगर हम निफ्टी का ऑप्शन देख रहे हैं, हम निफ्टी के कॉल्स को देख रहे हैं या निफ्टी के ऑप्शन को देख रहे हैं, तो ये डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू डिराइव होती है निफ्टी के वैल्यू से। तो निफ्टी का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो हमारे कॉल का वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर अपने कॉल को बाई कर रखें, और निफ्टी का वैल्यू अगर घटता है तो हमारे कॉल का वैल्यू भी घटेगा अगर हम कॉल बाई कर रखें, राइट। तो आप देखो सीधे सीधे जो डेरिवेटिव है, जो निफ्टी है, जो अंडरलाइंग है, वो अफेक्ट कर रहा है हमारे डेरिवेटिव को। तो ये इसे अंडरलाइंग बोला जाता है और इसे डेरिवेटिव बोला जाता है। तो सीधे सीधे आप देखोगे कि अंडरलाइन के मूवमेंट से हमारा डेरिवेटिव का मूवमेंट भी ऊपर नीचे होता है। अंडरलाइन का प्राइस बढ़ता है
तो हमारे डेरिवेटिव का प्राइस भी बढ़ता है, अंडरलाइन का प्राइस गिरता है तो हमारे डेरिवेटिव का प्राइस भी गिरता है। ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट की बात करें, ऑल अदर थिंग्स मतलब कि हम वेगा यानी कि वॉलेटिलिटी और टाइम यानी कि थीटा, ये सबको एक बार कॉन्स्टेंट कर देते हैं। और अगर हमें यह पता लगाना है कि सिर्फ निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से या निफ्टी के 100 पॉइंट घटने से हमारा कॉल का वैल्यू कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, तो यह पता लगाने के लिए ग्रीक का डेल्टा हमको काम आएगा। तो अगर आप समझिए किसी भी ऑप्शन के कॉल का, समझिए आपने 10,000 का कॉल खरीदा, 10,000 का कॉल आपने खरीदा और 10,000 के कॉल का डेल्टा 0.5 है, और निफ्टी अभी जब निफ्टी 10,000 पे थी तो आपने 10,000 का कॉल खरीद लिया और निफ्टी के कॉल का डेल्टा 0.5 है। तो अब अगर निफ्टी 10,001 होगा और ये 10,000 का कॉल आपने कितने में खरीदा, आपने 100 रुपए में खरीदा समझिए, तो अब निफ्टी अगर 10,001 होगा तो हमारे ऑप्शन का प्राइस कितना होगा, कितना बढ़ेगा, जितना उसका डेल्टा है यानी कि 100 रुपए 50 पैसे बढ़ जाएगा। यहां से अगर निफ्टी का वैल्यू 10,010 हो जाएगा तो हमारे ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा जितना उसका डेल्टा है, तो 105 हो जाएगा। तो जितना डेल्टा है उतना ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है। सिमिलरली अगर निफ्टी यहां पर 9,999 रुपए हो जाए तो हमारे ऑप्शन का जो हम लोगों ने कॉल खरीद रखा है उसका प्राइस गिर जाएगा, कितना गिरेगा, जितना उसका डेल्टा है, मतलब ये हो जाएगा 999.5। और यहीं पर अगर ये 9,990 रुपए हो जाए तो हमारे ऑप्शन का प्राइस 5 रुपए गिर जाएगा क्योंकि उसका डेल्टा 0.5 है, तो ये हमारा ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा 95 रुपया। तो क्योंकि हमारा डेल्टा 0.5 था इसीलिए 10,000 से निफ्टी 1 रुपया बढ़ता है तो हमारे ऑप्शन के प्राइस में 0.5 का ही फर्क आता है। अब आप समझो कि आपने कोई और ऑप्शन खरीद रखा होगा, समझ लो आपने एक तो और ऑप्शन खरीदा है जो 10,500 का ऑप्शन है और अभी इसका डेल्टा जो है वो 0.20 है, तो अब क्या होगा जरा समझिए। यहां पर ये भी आपने समझो आपने 100 रुपए में खरीदा, एक एग्जांपल मैं अजम्पशन ले रहा हूं, और निफ्टी अभी 10,000 पे है, तो अब अगर निफ्टी 10,001 रुपए होगा तो आपका ये कॉल का डेल्टा जो 20 पैसे है ये आपके कॉल को सिर्फ 20 पैसा बढ़ाएगा। बात समझिए, ये सिंपल कैलकुलेशन है डेल्टा का। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया एक्सपेक्टेड चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम इज ऑप्शन डेल्टा इनटू पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन, मतलब ऑप्शन का डेल्टा जितना है उसके बाद जितना पॉइंट चेंज होता है उतना रुपया हमारे ऑप्शन में चेंज हो जाता है। तो देखिए अब मैं इसे यहां पर मैंने वही लिखा है कि बाय हाउ मैनी पॉइंट्स विल द ऑप्शन प्रीमियम चेंज फॉर एवरी 1 पॉइंट इन द अंडरलाइन, ये सीधा सीधा एक डेफिनेशन है, ये आपको डेल्टा बताएगा। दूसरा, या तो आप इसे बोल सकते हैं कि डेल्टा कैप्चर्स द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द मार्केट ऑन ऑप्शन प्रीमियम, मतलब कि मार्केट अगर मूव करेगा तो आपका ऑप्शन प्रीमियम विद रिलेशन टू प्राइस प्राइस के रिलेशन में कितना मूव करेगा वो आपको बताएगा डेल्टा। दूसरा, देखिए डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है कॉल ऑप्शन के लिए, डेल्टा कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे ऑप्शन के प्राइस को बढ़ाता है जब प्राइस बढ़ता है। सिमिलरली डेल्टा जो पुट ऑप्शन के लिए नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्यों होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो वो अगर हम लोगों ने कॉल खरीद रखी है तो वो हमारे प्राइस हमारे ऑप्शंस को घटाएगा, तो इसीलिए ये नेगेटिव होता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपेक्टेड चेंज इन प्रीमियम जो हम जो चेंज ऑप्शन प्रीमियम ये हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लॉट साइज की बात करते हैं तो समझिए आप लॉट साइज जो निफ्टी का है वो 75 का लॉट साइज है और एक ऑप्शन का जो डेल्टा होता है अगर वो 0.5 है तो 75 ऑप्शन, क्योंकि हम लॉट साइज की बात करते हैं
तो इसका डेल्टा 37.5 होगा, ये आपको समझना है। दूसरा, अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो अगर आप समझिए, आप ऑप्शन नहीं खरीद के सीधा सीधा फ्यूचर खरीद लेते हैं, तो फ्यूचर के एक लॉट का डेल्टा हमेशा 1 होता है, तो 75 पॉइंट का डेल्टा, 75 के लॉट का निफ्टी का डेल्टा 75 होगा। तो जब आप फ्यूचर खरीदते हो तो अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ती है तो आपका फ्यूचर भी 1 पॉइंट बढ़ता है, और क्योंकि 75 का लॉट है इसीलिए आपका फ्यूचर 75 बढ़ जाता है। उसी तरह से जब आप ऑप्शन खरीदोगे, यहां पर निफ्टी अगर 1 पॉइंट बढ़ेगी तो आपका डेल्टा 0.5 बढ़ेगा, लेकिन आपने एक लॉट खरीद के रखा है 75 का, तो ओवरऑल आपके ऑप्शन में ऐसे चेंजेस आएंगी। तो आइए चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट पे। तो चलिए देखिए, यहां पर देखते हैं, ये 10,600 का निफ्टी कॉल है 30 जुलाई का, और निफ्टी अभी 10,640 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो यहां पर देखिए, ये 10,600 के कॉल का डेल्टा 40 रुपए है। अब ये जो डेल्टा है ये पूरे 75 मतलब 75 पूरे लॉट का डेल्टा है, 40 रुपए 47 पैसा। तो अब हम कोई चीज को चेंज नहीं करेंगे, ना हम डेट को चेंज करेंगे, ना टाइम को चेंज करेंगे, ना वोलेटिलिटी को कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, सीधा हम यहां पर निफ्टी को 1 रुपए बढ़ा देंगे। तो अभी आप देखिए, आपका जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है वो 551 है और इसका डेल्टा है 40, तो ये 591 के आसपास आ जाना चाहिए निफ्टी अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो। ये देखिए, सॉरी, तो देखिए निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट इतना रुपए, कितने रुपए बढ़ गया, जितना आपका डेल्टा है। तो ऑप्शन का प्राइस जो आपके ऑप्शन का प्रीमियम है वो उतना रुपए बढ़ जाएगा जितना आपका डेल्टा है। अब वापस हम इसे 1 रुपए और बढ़ाते हैं तो देखिए वापस इसमें 40 रुपए, 40 रुपए की बढ़ोतरी आ जाएगी, देखिए 634 हो गया। तो निफ्टी ऑप्शन का डेल्टा जितना होता है उतना निफ्टी का वैल्यू बढ़ता है, उतना ही ऑप्शन के प्रीमियम का वैल्यू बढ़ता है। अब सिमिलरली जब हम पुट लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा पुट, तो अगर आपने पुट खरीदा है और निफ्टी अगर नीचे गिरेगा तो आपके ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि आपने पुट खरीद रखा है, आपने मंदी खरीद रखी है, तो कितना बढ़ेगा, जितना उसका डेल्टा है। आइए वो भी देख लेते हैं। तो अभी देखिए, मैंने यहां पर 10,600 के पुट को सिलेक्ट कर लिया है, 10,600 के पुट को सिलेक्ट कर लिया है, और अभी निफ्टी का वैल्यू है 10,658 और ये डेल्टा देखिए -34। तो अब मैं निफ्टी को 1 पॉइंट गिराता हूं तो यहां पर देखिएगा ये प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, ये देखिए प्रॉफिट आपका बढ़ गया, क्योंकि आपने मंदी खरीद रखी थी, आपने पुट खरीद रखा था और उसका डेल्टा था 34। तो अगर निफ्टी 1 पॉइंट गिरता है तो आपको आपका प्रीमियम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितना उसका डेल्टा है। तो वापस एक बार देखते हैं, अभी देखिए 10,657 का निफ्टी है, ये 232 का डेल्टा, ये आपका 232 अभी प्रॉफिट है आप, और ये देखिए 34 का डेल्टा है। तो मैं अगर 1 रुपए इसे नीचे गिराता हूं तो ये बढ़ के देखिए 266, तो इतना रुपए इसमें जुड़ गया जितना उसका डेल्टा है। तो इस तरह से डेल्टा काम आता है। लेकिन अगर आपने समझिए अब निफ्टी शॉर्ट कर रखा है, ठीक समझिए, आगे चल के ये आगे चल के हम समझेंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर भी समझा देता हूं कि आपने निफ्टी बाय के जगह निफ्टी सेल कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कॉल सेल कर रखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉल सेल करने से क्या होगा, आपका डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और जब निफ्टी बढ़ेगी तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, क्योंकि आपने शॉर्ट कर रखा है तो आपको नुकसान हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा, जितना आपका डेल्टा है। तो आइए इसे देख लेते हैं एक बार। तो अब यहां देखिए, ये निफ्टी का हमारा डेल्टा, हम लोगों ने 10,600 का कॉल शॉर्ट कर दिया जिसका डेल्टा है 40.7, लेकिन अब आपने शॉर्ट कर दिया है तो आपका डेल्टा चला गया माइनस में, और अब अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगी तो आपको कितना नुकसान होगा, जितना आपका डेल्टा है। तो देखिए मैं बढ़ाता हूं 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट मैंने बढ़ाया तो देखिए आपको उतने रुपए का नुकसान हो गया, फिर मैं 1 पॉइंट बढ़ाता हूं तो देखिए आपको उतने रुपए का नुकसान हो रहा है, जितना आपका यहां पर डेल्टा है। तो जब निफ्टी आप कॉल शॉर्ट करते हो तो आपका डेल्टा नेगेटिव हो जाता है। कॉल शॉर्ट करने का मतलब अगर निफ्टी बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो कम होगा, निफ्टी गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। तो देखिए वापस एक बार देख लीजिए, कैसे कॉल शॉर्ट हम लोगों ने किया, अभी 1376 है और 1 पॉइंट यहां से निफ्टी गिर गया तो देखिए 1335 हो गया, और 1 पॉइंट निफ्टी गिर जाता है तो 1357 हो गया, और 1 पॉइंट निफ्टी गिर रहा है तो 1320। तो देखिए आपके लॉस, आपका जो लॉस है वो कम होते जा रहा है, ये देखिए 1200। तो जैसे 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 निफ्टी गिर रहा है, अभी समझिए आपने यहां पर निफ्टी 10,500 आ गया,
देखिए आप प्रॉफिट में आ जाओगे। जैसे जैसे निफ्टी गिर रहा है वैसे वैसे आपको फायदा होता है। तो सिमिलरली जब हम पुट सेल करते हैं, तो अभी मैं इसे 10,600 पे वापस ले जाता हूं, 10,632 पे वापस ले जा रहा हूं। सिमिलरली जब आप पुट सेल करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में तेजी आएगा। तो देखिए यहां पर आपने पुट सेल किया तो आपका डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब डेल्टा पॉजिटिव हो गया इसका मतलब एक रुपए अगर निफ्टी बढ़ता है, एक पॉइंट निफ्टी बढ़ता है तो आपका लॉस देखिए कम हो गया। और यहां पर देखिए अगर निफ्टी बढ़ते जाता है तो आपका लॉस जो है कम होते जा रहा है, और क्योंकि उसका डेल्टा पॉजिटिव है। और यहां पर निफ्टी 10,800 अगर हो जाता है तो आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। सिमिलरली अगर आपने पुट खरीद रखा, आपने पुट बेच रखा है और प्राइजेस नीचे गिरने लग गई तो क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस होने लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए निफ्टी 10,629 पे आपने पुट बेच रखा है, अब एक अगर एक पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो आपके पोर्टफोलियो में नुकसान होगा, आपके ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा। कितना रुपए गिरेगा, जितना उसका डेल्टा है। तो देखिए आपके यहां पर ऑलरेडी आपका लॉस 1095 है और अभी एक पॉइंट गिरने से ये आपका लॉस 35 रुपए से बढ़ जाएगा। तो देखिए एक पॉइंट मैंने गिराया तो ये 35 रुपए से बढ़ गया, फिर मैं एक पॉइंट गिराता हूं फिर ये 35 रुपए से बढ़ गया। जितने से बढ़ता है जितना आपका डेल्टा है। तो ये एक सिंपल इस तरह से आप डेल्टा को समझ सकते हो। और देखिए मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकली करके दिखाया, कोई भी थ्योरी नहीं, कोई भी कैलकुलेशन नहीं। ये जानना आपका जरूरी है बहुत कि आप जब कोई भी ऑप्शन लेते हो तो आपका डेल्टा का पोजीशन क्या है, और अगर निफ्टी बढ़ेगी तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, निफ्टी घटेगी तो आपको कितना लॉस होगा, आपके ऑप्शन प्रीमियम में कितना गिरावट आएगी, कितना बढ़ोतरी आएगी प्राइस के वजह से, ये जानना काफी जरूरी है आपको। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो कहिए कॉल डेल्टा की बात करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने देख तो लिया कि कॉल डेल्टा क्या होता है और कैसे, लेकिन फिर भी चलिए मैं पढ़ देता हूं कि हम लोगों ने कहीं कुछ पॉइंट छोड़ा तो नहीं, ये एक बार अज्यूम कर लेंगे। तो वी नो डेल्टा इज अ नंबर दैट रेंज बिटवीन 0 एंड 1। कॉल डेल्टा, कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। और याद रखिए अगर आप सोचिए कि किसी कॉल के डेल्टा का वैल्यू 0.03 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब एक रुपए एक पॉइंट कोई इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका जो ऑप्शन है वो 0.3 से बढ़ेगा। तो अगर 100 पॉइंट इंडेक्स बढ़ता है तो आपका ऑप्शन 30 रुपए बढ़ेगा, क्योंकि उसके कॉल का डेल्टा 0.3 है। तो अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को सीखने मिल रही है, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को समझने को मिल रही है। आइए उसको हम आगे भी देखेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। मेरा यह अजम्पशन है कि आप मनीनेस ऑफ द ऑप्शन जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है ATM, एक तो होता है OTM और एक तो होता है ITM। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10,000 पे निफ्टी है तो 10,000 का कॉल या 10,000 का पुट, 10,000 का कॉल या 10,000 का पुट ATM होगा, मतलब एट द मनी होगा। यहां से अगर आपने 10,500 का कॉल के बारे में बात करते हैं, अगर हम 10,500 के कॉल के बारे में बात करते हैं तो 10,500 का कॉल और 10,000 का 500 का कॉल OTM होगा। सिमिलरली अगर हम इन द मनी का बात करते हैं तो 9,500 का कॉल ये इन द मनी होगा। ओके, जनरल ये मेरे को अजम्पशन है कि क्योंकि आपने ग्रीक्स करना शुरू कर दिया तो ये आपको आना चाहिए। सिमिलरली 10,900 का पुट, 9,500 का पुट ये आउट ऑफ मनी होगा और 10,500 का पुट इन द मनी होगा। तो या तो आप एक सिंपल तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं कि कितनी दूर है, ठीक है, कितनी दूर है, मतलब कि 10,000 से 10,500 दूर है तो ये आउट ऑफ मनी हो गया, लेकिन 9,500 होके 10,000 आया है तो ये इन द मनी हो गया। तो इन से एट आया और एट से आउट हुआ। सिमिलरली पुट के बारे में बात करें तो अभी 10,000 पे निफ्टी है तो 10,000 9,500 का पुट
दूर है अभी, इसीलिए अब वो आउट है, लेकिन 10,500 से 10,000 आया है निफ्टी, 10,500 से 10,000 आया है गिर के, तो ये इन द मनी हो गया पुट के लिए। तो जब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो एक चीज याद रखिएगा, एटीएम पे ऑप्शन का जो वैल्यू होता है, जो ऑप्शन का डेल्टा होता है, वो मोर ऑर लेस 0.50 होता है, मतलब कि ना तो बुलिश ना तो बेरिश, कॉल के लिए और पुट के लिए, दोनों के लिए। जैसे जैसे हम इन द मनी जाते हैं, जैसे जैसे हम इन द मनी जाते हैं, जो ये वैल्यू हो, सॉरी, जैसे जैसे हम इन द मनी जाते हैं, जैसे जैसे हम इन द मनी जाते हैं, डेल्टा इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं, डेल्टा गिरने लग जाता है। तो आप समझिए कि अभी निफ्टी 10,000 पे है और आपको लगता है आने वाले 3 वीक के अंदर निफ्टी 10,500 हो जाएगा। 10,000 का कॉल आपने देखा और 10,500 के कॉल को आपने देखा। 10,000 का कॉल समझिए 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और इसका डेल्टा 0.5 है। 10,500 का कॉल 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसका डेल्टा 0.25 है। अब निफ्टी एक वीक के बाद, बाकी एवरीथिंग हम लोगों का अभी हम लोग कांस्टेंट करके रखे हैं, सिर्फ हम प्राइस की बात कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद निफ्टी 10,100 हो जाता है। तो 10,100 हो जाता है, तो आपके 10,000 के कॉल का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। लेकिन आपके 10,500 के कॉल का वैल्यू कितना होगा, 125 होगा, राइट? तो आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा हो रही है, इन द मनी वाले की। अब समझिए तीन वीक के बाद 10,000 आपका जो अजम्पशन था 10,500 का, तो 10,500 निफ्टी आ जाता है 3 वीक के बाद। तो आपका इन द मनी जो कॉल है जिसका डेल्टा 0.5 है, उसका प्राइस कितना हो जाएगा, उसका प्राइस हो जाएगा 250 रुपए, क्योंकि उसका डेल्टा ज्यादा है और इसका प्राइस होगा 125, मतलब प्लस प्रॉफिट। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो आप जब हम आउट ऑफ द मनी की बात करते हैं, तो आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन है वो हमें चीप लगता है, वो कारण यही है, क्योंकि उसमें डेल्टा कम होता है। इन द मनी का ऑप्शन हमें महंगा लगता है, वो कारण यही है, क्योंकि उसमें डेल्टा ज्यादा होता है, और जैसे जैसे प्रॉफिट आता है वो अपना वैल्यू भी उसी हिसाब से अटेन करेगा, उसी हिसाब से गेन करेगा और उसी हिसाब से अपने वैल्यू को भी लूज करेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो अभी वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर, होपफुली आपको समझ में आ गया। वापस चलेंगे और वापस देखते हैं इन डेप्थ में कि डेल्टा के बारे में और हम क्या क्या जान सकते हैं। तो ये चीज अपने को समझ में आ गया कि जितना डेल्टा कम होगा, निफ्टी जितना बढ़ेगी या स्टॉक जितना बढ़ेगा, उतना अपना प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा। तो इसे भी दिखा दूं क्या आपको चार्ट पे, चलिए इसे भी आपको चार्ट पे दिखा देता हूं, थोड़ा और क्लियरिफाई हो जाएगा। तो देखिए ये 10,650 पे अभी निफ्टी है मोर ऑर लेस, और हमने 11,000 का कॉल समझिए बाय किया है। 11,000 के कॉल का दाम है 77 रुपया, और यहां पर आप देखिए 10,000 के कॉल का दाम है 693, और मतलब कि आप समझिए इन द मनी कॉल का दाम ज्यादा है और आउट ऑफ द मनी कॉल का दाम कम है। ये आउट ऑफ द मनी कॉल है 11,000 का, इसका आप डेल्टा देखो 17.6। अब मैं इसे हटा के आपको इन द मनी कॉल के डेल्टा को दिखाता हूं, 64। आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस हो रहा है? तो अब आप बात करते हैं, समझिए हम आपको आउट ऑफ द मनी कॉल की बात करते हैं। तो अब आउट ऑफ द मनी कॉल में अभी 10,627 है, 17 रुपया है, तो अगर 1 रुपया अगर निफ्टी बढ़ेगा
तो हमारा पोर्टफोलियो 70 रुपये से बढ़ेगा, 1 रुपया निफ्टी बढ़ा 17 रुपया बढ़ा, 1 रुपया निफ्टी बढ़ा 17 रुपया बढ़ा। अब एक चीज देखिए, इसको लेने के बाद, ये 10,000 11,000 के कॉल को लेने के बाद आपको ब्रेक इवन कब मिलेगा, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, आपको ब्रेक इवन मिलेगा 10,000 11,077 पे, मतलब 11,077 आएगा जब वैल्यू, उस समय आपको ब्रेक इवन एट एक्सपायरी मिलेगा, एक्सपायरी वाले दिन। आज के दिन में ब्रेक इवन जल्दी मिल जाएगा, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन इतने लेट से ब्रेक इवन मिलेगा। लेकिन अगर आप एट द मनी की बात करते हैं या इन द मनी की बात करते हैं, तो देखिए आपको ब्रेक इवन कब मिलता है, एक्सपायरी में आपको ब्रेक इवन जल्दी मिल रहा है। देखिए, तो जब आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते हो, तो ब्रेक इवन होने के लिए बेसी मूवमेंट चाहिए निफ्टी में। हमें निफ्टी निफ्टी में बेसी मूवमेंट आना पड़ेगा जो आपके कॉल को बढ़ाएगा या आपके कॉल को ब्रेक इवन देगा। उसी तरह से इन द मनी लेते हो, एट द मनी लेते हो, तो ब्रेक इवन दूर हो जाता है। तो अब इन द मनी की बात करते हैं। देखिए, इन द मनी 693 प्राइस है, इसका डेल्टा 64 है। तो अब अगर 1 रुपए निफ्टी बढ़ता है तो सीधा 64 रुपया का प्रॉफिट होता है, राइट? तो अब चलिए आपको मैं यहीं पर दिखाता हूं कि दोनों आपने दोनों ऑप्शन खरीद रखे, आपने दो ऑप्शन खरीदे और अभी जो निफ्टी है 1060 इस रेंज पे निफ्टी है, इस रेट पे निफ्टी है। तो अगर आप 11,000 का कॉल खरीदते हो, 11,000 का कॉल खरीदते हो, तो प्रॉफिट में आने के लिए आपको निफ्टी में, क्योंकि तो देखिए इसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है, प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट में आने के लिए निफ्टी में आपको कितने पॉइंट चाहिए, मतलब निफ्टी कहां पर जाएगा जब आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका डेल्टा कम है तो ऑफकोर्स आपको बेसी ज्यादा निफ्टी में मूवमेंट चाहिएगी, क्योंकि जब आपका ऑप्शन प्रॉफिटेबल होगा। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए, अब आपको समझिए 5783 आपको कमाना है, तो देखिए कितना मूवमेंट आपको चाहिए, ये मोटा मोटी, हाँ, तो 10,900 के पास आएगा निफ्टी, तब आप 5,7 इसके आसपास पैसे कमा पाएंगे, राइट? क्योंकि यहां पर इसका डेल्टा बहुत कम था। अब आगे चलते हैं, वापस हम इस पे आ जाते हैं, 10,640 पे वापस आ जाते हैं, 10,640 पे वापस आ जाते हैं, 10,600 अपना 18 डेल्टा है। अब उस समय अपने को कितना चाहिए था, निफ्टी 10,900 पे पहुंचता तब अपना प्रॉफिट पूरा आता, लेकिन अभी हम इसकी बात करते हैं तो निफ्टी देखिए 10,900 पे अगर निफ्टी पहुंचेंगी तो इसका प्रॉफिट देखिए, इसका ब्रेक इवन जल्दी आ जा रहा है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जब आप डेल्टा, जो भी कभी भी आप ऑप्शन का कोई भी ऑप्शन खरीदते हो, तो उसका डेल्टा जितना कम होगा निफ्टी को उतना ही आगे जाना पड़ेगा आपके ऑप्शन को प्रॉफिटेबल करने के लिए। सिमिलरली जहां पर डेल्टा ज्यादा होगा वहां पर निफ्टी को कम मेहनत करनी पड़ेगी या आपके ऑप्शंस को, इंडेक्स को कम मूवमेंट करनी पड़ेगी आपको प्रॉफिटेबल करने के लिए। तो ये एक चीज का इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिए इसको। आगे देखिए, अब एक और चीज देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपसे बात, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेल्टा जो हम कॉल की बात कर रहे हैं वो 0 और 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता या 1 से बियॉन्ड क्यों नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको समझाया कि जब हम ऑप्शन की बात करते हैं प्राइसिंग की, तो हम जानते हैं वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उसका प्राइस जो है वो किसी से डिराइव किया हुआ है। तो कभी भी जो डेरिवेटिव होता है अपने अंडरलाइन से ज्यादा या अपने अंडरलाइन से ऊंचा नहीं हो सकता। तो आप एक सिनेरियो समझो, आप एक सिनेरियो समझो, निफ्टी का जो फ्यूचर है उसका डेल्टा 1 होगा, और निफ्टी का अगर आप समझो 10,000 का ऑप्शन आप लेते हो, 10,000 का सीई ले रहे हो 200 रुपए में, और इसका डेल्टा 5 है, एक एक का एक वन 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 लॉट, वन लॉट यानी कि 1 यूनिट। अब निफ्टी अभी 10,000 पे है, तो अब निफ्टी 10,000 से 10,001 होगा, तो आपके फ्यूचर में आपको 1 रुपए की कमाई होगी, लेकिन आपके ऑप्शन में आपको 5 रुपए की कमाई होगी। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन का जो वैल्यू है ये निफ्टी से डिराइव्ड है, डिराइव्ड हुआ हुआ है।
तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेम यूनिट है आपके पास, दोनों एक एक है, और अगर निफ्टी एक रुपए बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन में 5 रुपए कमाई होगा। लेकिन ये हाँ, अगर आपने एक फ्यूचर आपने आपने 500 ऑप्शन खरीद रखे हैं, 500 ऑप्शन खरीद रखे हैं, तब अगर निफ्टी यहां पर 1 रुपया बढ़ेगा तो आपके फ्यूचर में 1 रुपए की बढ़ोतरी होगी और आपके ऑप्शन में 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल एक एक की बात करें तो 1 रुपए अगर निफ्टी बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन कभी भी 5 रुपए नहीं बढ़ेगा सिंगल यूनिट, क्योंकि इसका डेल्टा 1 हमेशा मैक्सिमम 1 होगा। तो अगर आप डीप इन द मनी डेल्टा लेंगे तो जैसे 10,000 अभी निफ्टी है, आपने 9,500 का कॉल खरीद लिया, तो आपने 9,500 का कॉल खरीद लिया तो इसका डेल्टा जो है मोस्ट प्रोबेबली 0.99 के आसपास होगा। तो अब यहां पर निफ्टी अगर 1 रुपए बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन जो है 100 रुपए से 0.99 ये बढ़ जाएगा, तब बराबर में बढ़ेगा, बराबरी में बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये कभी ऊपर नहीं बढ़ सकता, कभी ऊपर नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, यह बात याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी ऑप्शन अपने अंडरलाइंग से ज्यादा वैल्यू नहीं डिराइव कर सकता। तो अगर 1 रुपया डेल्टा, डेल्टा 1 एक मैक्सिमम वैल्यू है जो कि प्राइस के साथ मूव करेगा और ये फिक्स्ड है। तो जैसे मैंने आपको यहां पर पहले भी आपको दिखा दिया कि डीप इन द मनी जो डेल्टा होती है, डीप इन द मनी जो होती है उनकी डेल्टा हाईएस्ट होती है, इन द मनी जो होती है उनकी डेल्टा हाई होती है, एट द मनी वाली डेल्टा 0.5 होगी, आउट ऑफ द मनी की डेल्टा लो होगी, हमेशा कम होगी, और डीप आउट ऑफ द मनी की डेल्टा लोएस्ट होगी। तो मैं आपको एक बार कॉल वापस मैं आपको कॉल्स के साथ इसकी वो दिखा देता हूं, आप पुट पे भी सेम एप्लीकेबल होता है। तो अभी समझिए आप, मैंने वही बात करता हूं, निफ्टी जो है 10,000 पे ट्रेड कर रहा है, इन द मनी 9,500 और डीप इन द मनी आप समझ लो 9,000, आउट ऑफ द मनी 10,500 और डीप आउट ऑफ द मनी 11,000। तो एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.5 के आसपास रहेगा, ये हमेशा 0.5 के आसपास रहेगा, 0.01% ऊपर नीचे, 0.01% ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये 0.5 के आसपास रहेगा। इन द मनी का डेल्टा हाई होगा, तो समझिए आप इन द मनी जब जाते हैं तो आपका डेल्टा 0.75 के आसपास हो जाएगा, इन द मनी की अगर बात करें तो 9,500 का अगर डेल्टा आप देखोगे तो अभी निफ्टी जो स्पॉट प्राइस है, अगर आप यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, स्पॉट अभी निफ्टी 10,000 है। तो अगर आप डीप इन द मनी की बात करोगे, मतलब यहां से होके निफ्टी नीचे आया है, ऊपर गया है, तो यहां से होके आ गया तो इन द मनी है, तो इस घर में जाके आ गया है, इन द मनी है, तो यहां इसका डेल्टा। और अगर 9,000 की निफ्टी की बात करो तो ये डीप इन द मनी है, और तो इसका डेल्टा मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे फ्यूचर के बराबर होता है। तो इसका डेल्टा फ्यूचर के बराबर होता है, याद रखिए डीप इन द मनी ऑप्शंस के डेल्टा जो होते हैं फ्यूचर्स के बराबर होते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक कैवियट देता हूं, वो ये है कि अगर आपको लगे कि फ्यूचर्स में मार्जिन ज्यादा है, एक नॉट निफ्टी के फ्यूचर में अगर आप समझो आपको मार्जिन 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं, तो आप और आपको थोड़ा रिस्की लगता है, रिस्की मतलब कि डाउनसाइड जो है वो अनप्रोटेक्टेड है, कल को अगर निफ्टी 500 पॉइंट नीचे खुलेगा, जस्ट एन अजम्पशन है, 500 पॉइंट नीचे खुलेगा तो आपका 500 × 75 सीधा सीधा ये लॉस हो जाएगा। कितना हुआ 500 × 75, सोचिए एक निफ्टी के लॉट में आपको 37,500 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये डेल्टा समझिए 99 का डेल्टा है, ये अगर 500 पॉइंट नीचे खुलेगा तो आपका ऑप्शन जो है वो कभी आपको इतना बड़ा लॉस नहीं देगा, क्योंकि इसका वैल्यू कभी जीरो, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा लेकिन ये आपको नेगेटिव में नहीं देगा, क्योंकि जितने रुपए आपने पे किए हैं उतने ही रुपए आपको नुकसान होगा। तो अगर आपको कहीं मार्जिन की दिक्कत होती है तो आप डीप इन द मनी ऑप्शंस को भी ट्रेड कर सकते हो, वो फ्यूचर्स की तरह ही काम करेगा। वैसे ही जब हम आउट ऑफ द मनी की बात करते हैं तो इसका डेल्टा आप समझो 0.25 आप समझो, क्योंकि इसका डेल्टा बहुत कम होगा। तो अगर निफ्टी यहां पर 10,001 बढ़ेगा तो आपने अगर ये ले रखा है यहां, तो आपका जो 100 रुपए का, तो ये 100 रुपए 25 पैसे ही होगा। वैसे जो एकदम आउट ऑफ द मनी होता है, डीप आउट ऑफ मनी 11,000 की बात करेंगे तो इसका आप डेल्टा देखोगे तो 0.08 के आसपास होता है, या उससे भी कम होगा या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। तो आप यहां पर सोचो कि अगर 10,000 पे निफ्टी है और ये अगर 10,001 होता है तो आपका जो ऑप्शन, अगर आपने ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 100 रुपए में खरीद रखा है तो इसका जो वैल्यू है सिर्फ इतना ही बढ़ेगा।
और निफ्टी अगर 10,100 भी हो जाता है, 10,100 भी हो जाता है तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 108। लेकिन इनका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 150, इसका वैल्यू हो जाएगा 125। तो आप समझ रहे हो, आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन है वो लेस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि जब तक आउट ऑफ द मनी है वो लेस सेंसिटिव है, जो एट द मनी है वो सेंसिटिव है, और जो इन द मनी है वो मोस्ट सेंसिटिव है। मतलब ये आपके सीधा सीधा स्टॉक खरीदने के बराबर और फ्यूचर खरीदने के बराबर ही होगा। तो इस तरह से आप डेल्टा को अलग अलग स्ट्राइक पे यूज कर सकते हो, और अलग अलग स्ट्राइक पे डेल्टा का रिलेशन ऐसे होता है। तो अब आपके पास यही सवाल होगा कि हमें कौन से कॉल ऑप्शन खरीदने चाहिए। तो अगेन अब आपके पास सारे जवाब है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि निफ्टी की मूवमेंट जल्दी ही 200 पॉइंट अगर निफ्टी जल्दी मूव करेगा, यानी कि अगर आपको लगता है एक या दो दिन, तीन दिन, पांच दिन में अगर निफ्टी 100, 200, 300 पॉइंट मूव कर जाएगा, तब तो आप एट द मनी ऑप्शन खरीदो। क्योंकि आपके एट द मनी ऑप्शन खरीदने से वो आपका जो एट द मनी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, वो इन द मनी हो जाएगा और उसका डेल्टा बढ़ जाएगा और आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी आप खरीदोगे तो उसका आप समझो, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप कब खरीदे, किस समय आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदेंगे। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को लॉटरी बोला जाता है। तो समझिए, आपको कोई न्यूज है या आपके पास कोई खबर है कि ऐसा कोई इवेंट होने वाला है, जो निफ्टी अभी 10,500 है, ऐसा कोई इवेंट होगा जो निफ्टी को 11,200 पर पहुंचा देगा। समझिए, पांच ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा कोई इवेंट हो सकता है पांच ट्रेडिंग सेशन के अंदर, जो निफ्टी को, मतलब कि 700 पॉइंट का मूव निफ्टी में ला सकता है, ऐसा कोई इवेंट है। तो आप क्या करोगे, अब 11,200 के कॉल को देखोगे, इसका वैल्यू कुछ आप समझो 7 रुपए के आसपास चल रहा होगा, और इसका डेल्टा जो होगा 0.015 होगा। और अब देखिए, इसका कॉस्ट आपको 7 रुपए पड़ा, लेकिन अब अचानक में निफ्टी उस दिन 11,200 आ जाता है, 11,200 उस दिन निफ्टी आ जाता है, तो उसका डेल्टा क्या हो जाएगा, क्योंकि अब निफ्टी एट द मनी आ गया, आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एट द मनी हो गया, तो इसका डेल्टा हो जाएगा 0.50। और आपको सिर्फ डेल्टा से कितना प्रॉफिट हो गया, 0.35 का। तो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपने सिर्फ 7 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको डेल्टा में आपको इतना बड़ा गेन हो गया, तब आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ेगा या 300 पॉइंट बढ़ेगा, तब हमेशा एट द मनी ही रिकमेंडेड है, बाई करेंगे। ऑफ कोर्स हम इसके बाद आईवी को देखेंगे, आईवी इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को देखना पड़ता है, आईवी परसेंटेज को देखना पड़ता है, वो डिसाइड करता है कि हमें बाई करना है, सेल करना है। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, एक लेमन टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो पुट के डेल्टा की बात करते हैं, तो पुट का जो डेल्टा होता है वो -1 से 0 होता है। नेगेटिव साइन इसीलिए है क्योंकि ये इंडिकेट करता है यही कि अगर हमारा अंडरलाइंग बढ़ता है, तो अगर निफ्टी आपने पुट खरीद रखा है, निफ्टी अगर बढ़ेगा तो हमारा प्रीमियम गिर जाएगा। कितना गिरेगा, जितना उसका डेल्टा होता है। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया अभी प्रैक्टिकली शायद। तो देखिए, ये 11,000 का पुट मैंने खरीदा है, और 11,000 का पुट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 10,650 का पुट मैंने खरीद लिया है, और ये 232 रुपए का है, और आप देखो इसका डेल्टा -24.9 है। तो अब अगर 1 रुपए, अब अगर इसको मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ 10,625, तो अब अगर 1 रुपए निफ्टी बढ़ता है तो हमारा पोर्टफोलियो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितना हमारा ग्रीक है, तो 38.5। तो देखिए ये करीबन, देखिए 10,230 के पास आ गई, 38.5 इसने माइनस हो गया, और 1 रुपए अगर बढ़ता है तो वापस और हमारे 38 का नुकसान हो जाएगा, और 1 रुपए बढ़ता है तो 38 का नुकसान हो जाएगा,
और हम लोगों ने क्योंकि इसे लॉन्ग कर रखा है, अब ये गिरेगा, गिरना शुरू करेगा, तो देखिए हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे गिर रहा है, तो देखिए 22,013 रुपए है, अगर 1 रुपया गिरता है तो हमें, क्योंकि आप देखिए इसका जो डेल्टा है वो भी बढ़ गया, इसकी बात हम करेंगे। तो जैसे जैसे गिरता है हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो जब आप पुट लॉन्ग करके रखे हैं तो मार्केट बढ़ने से अपना प्रॉफिट गिरेगा, कितना गिरेगा, जितना उसका डेल्टा है, और मार्केट गिरने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितना उसका डेल्टा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने आपको समझाना ही है, और क्यों आउट ऑफ द मनी, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि आपने एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन देखा जिसका डेल्टा 15 पैसा था या 25 पैसा था, अचानक में जब वो ऑप्शन इन द मनी हो जाता है तो उसका डेल्टा बढ़ के 0.5 हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है, इन द मनी का डेल्टा और 0.5 से ज्यादा होता है। तो ये रिलेशनशिप क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा का ऐसा नेचर है कि वो स्पॉट के वैल्यू के साथ साथ चेंज होता है। तो डेल्टा चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ द स्पॉट, मतलब कि डेल्टा एक फिक्स्ड वेरिएबल नहीं है। आपने अगर 10,000 का निफ्टी खरीद के रखा है तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ेगा आपका प्रीमियम तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में उसका डेल्टा भी बढ़ने लगेगा। तो देखिए ऑप्शंस में जो हम बोलते हैं कि मल्टीपल या मल्टीपल्स में पैसा कमाई हो जाती है, या जो ऑप्शन में जो ट्रेड करता है वो लाखों करोड़ों में कमा लेता है, मल्टीपल्स में कमाता है, क्यों कमाता है, उसका रीजन यही है क्योंकि उसका जो डेल्टा है वो भी बढ़ता है। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं एक बार, ठीक से समझिए। अगर आपने 10,000 का निफ्टी ले रखा है, अभी स्पॉट प्राइस 10,000 है, आपने 10,000 का निफ्टी ले रखा है जिसका प्राइस 500 रुपए है और इसका डेल्टा 0.5 है, तो अब अगर निफ्टी 10,000 से 10,100 हो जाएगा तो ये एट द मनी वाला डेल्टा, ये एट द मनी ऑप्शन है जो आपने खरीदा, अब अगर 10,100 हो जाता है तो आपका 10,000 का ऑप्शन क्या हो जाता है, वो इन द मनी हो जाता है। तो आपके 500 का ऑप्शन जो इन द मनी हो गया उसमें ऑलरेडी आपने पैसा तो कमा लिया, ये आपने इसमें 500 में आपने जो 0.5 पैसा तो कमा लिया। अब ये समझिए इसका डेल्टा, अब एट 10,100 इस ऑप्शन का डेल्टा अभी 0.62 हो सकता है। देखिए डेल्टा भी बढ़ गया, और समझिए और आपका स्पॉट बढ़ गया, आप 10,200 हो गया आपका स्पॉट, तो यही 500 का ऑप्शन का डेल्टा जिसका प्राइस 0.5, जिसका डेल्टा 0.5 था एट 10,000, ये 10,200 पे जाके इसका डेल्टा समझिए 0.73 हो जाएगा। अब समझिए और बढ़ गया, ये 10,500 हो गया फाइनली। अब आपके 10,000 का जो ऑप्शन है, 10,000 में जो ऑप्शन आपने लिया, ये क्या हो गया, ये डीप इन द मनी हो गया। अब इसका डेल्टा, ये 500 के ऑप्शन का डेल्टा आप समझिए 10,500 पे ये ऑलमोस्ट एक फ्यूचर का काम करने लगेगा, इसका डेल्टा 0.595 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपके ऑप्शन का स्पॉट प्राइस बढ़ता है उसका डेल्टा भी बढ़ता है, और ये फाइनली जाके 1 के पास चला जाएगा, जहां पर आपका ऑप्शन आपके फ्यूचर के बराबर में हो जाएगा। मतलब कि आपको जितना रुपए आपका फ्यूचर में बढ़ रहा है उतना रुपए ऑप्शन में बढ़ रहा है। तो इस चीज को समझिए, वापस थोड़ा अगर आप सुनना चाहते हो तो पॉज करिए, पीछे जाइए, वापस समझिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपलिसिटी में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्यों होता है, क्योंकि इसका कैरेक्टर ऐसा है, वो फॉर्मूला वैसा बनाया हुआ है। अभी आप फॉर्मूला में समझने लगे तो अपने को थोड़ी ना बैक स्कोल्स फॉर्मूला को मॉडिफाई करना है या कुछ करना है, लेकिन हाँ इस चीज को समझ के रखिए। तो देखिए वही चीज है यहां पर, आप अभी आप पुट के बारे में छोड़ दीजिए, आप ये कॉल के बारे में सिर्फ ध्यान दीजिए। तो देखिए ओटीएम कार्ड, और ये हमारा डेल्टा है और ये हमारा स्पॉट प्राइस है। तो आप समझिए जैसे जैसे, देखिए ओटीएम में डेल्टा सबसे कम होगा, जैसे जैसे प्राइस स्पॉट प्राइस, जैसे जैसे एटीएम, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कॉल का डेल्टा भी बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, आप कि ये स्पॉट प्राइस है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इस एक्सिस में स्पॉट प्राइस है, तो ये समझिए आप निफ्टी है और ये हमारा 10,000 का कॉल है। तो अभी निफ्टी समझिए, यहां सर आपने जब निफ्टी 9,500 पे थी, 9,500 पे थी निफ्टी, यहां पर 9,500 पे, तो आपने 10,000 का कॉल खरीदा, तो उसका उस समय डेल्टा एकदम नेग्लिजिबल है। अब देखिए निफ्टी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, 9,800 हुई,
तो आप देखिए धीरे धीरे इन द मनी आते जा रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे आप एट द मनी आते जा रहे हैं। अब यहां पर समझिए निफ्टी 10,000 आ गई और यहां पर आपका कॉल का, देखिए आपका कॉल का डेल्टा भी बढ़ते जा रहा है। तो समझिए यहां पर आपका कॉल का डेल्टा जो था 0.2 के आसपास था, यहां पर देखिए आपका डेल्टा 0.6 के आसपास हो गया। और आप समझिए अभी यहां पर इस जगह जो 10,500 निफ्टी चला गया, मतलब आपका कॉल का डेल्टा आप देखिए अब कितना बढ़ गया, एकदम इक्विवेलेंट टू फ्यूचर हो गया है। तो जैसे जैसे आपका स्पॉट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डेल्टा का वैल्यू भी बढ़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इसको डेल्टा एक्सेलरेशन बोला जाता है, इसी चीज को डेल्टा एक्सेलरेशन बोला जाता है। फैंसी टर्म आप यूज करो, ट्विटर पे यूज करेंगे लोग, फेसबुक पे यूज करेंगे, आपको सिखाएंगे, लाखों रुपए चार्ज कर लेंगे, इसी चीज को डेल्टा एक्सेलरेशन कहा जाता है। सिमिलर एकदम सिंपल फंड है। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी भी ओटीएम खरीद के बैठे हो और अचानक में ऐसा इवेंट हो जाता है जहां पर आपका पैसा, जहां पर आपका ऑप्शन इन द मनी हो जाता है, तो आपका जो एक्सपोनेंशियल गेन होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल गेन होता है, वो इस कारण ही होता है, इसे डेल्टा एक्सेलरेशन बोला जाता है। मतलब कि जैसे जैसे आपका स्पॉट बढ़ेगा आपके आपका डेल्टा भी बढ़ेगा। तो देखिए यहां पर अभी निफ्टी 10,608 पे है, हमने 11,000 का कॉल 30 जुलाई का खरीदा है, अभी 11 जुलाई के कॉल का दाम 77 रुपए है और इसका डेल्टा देखिए 15 रुपया 75 पैसा है। अब देखिए मैं स्पॉट को बढ़ाता हूं तो आप देखिए स्पॉट बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्पॉट बढ़ रहा है हमारा डेल्टा भी बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे स्पॉट बढ़ रहा है हमारा डेल्टा भी बढ़ते जा रहा है। और अब देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब आप एक चीज नोटिस करिए कि ये 11,000 के पास पहुंच गया, 11,000 के पास पहुंच गया तो हमारा डेल्टा जो है, हमारा जो कॉल का वैल्यू है वो देखिए इसका डेल्टा भी बढ़ गया। और देखिए और आगे बढ़ाता हूं, जिस तरह से जैसे जैसे स्पॉट बढ़ता है वैसे वैसे डेल्टा बढ़ता है। तो जैसे ही एट द मनी हो जा रहा है, जैसे ही ये कॉल एट द मनी हो जा रहा है, इसका देखिए 4.50 के आसपास आ जा रहा है। तो देखिए और जिस जैसे जैसे हमारा ऑप्शन स्पॉट के प्राइस से गिर नीचे जाता है वैसे वैसे उसका डेल्टा भी गिरता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल डेल्टा लेते हैं तो वो जैसे जैसे इन द मनी होगा उसका डेल्टा का वैल्यू भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो आउट ऑफ द मनी होगा डेल्टा का वैल्यू घटते जाएगा, डेल्टा का वैल्यू भी घटेगा। तो देखिए 11,000 का कॉल था और निफ्टी हमें समझिए 10,420 पे आ गई। तो देखिए 11,000 का कॉल जो इनिशियली इसका डेल्टा कितना था, 11 हम लोगों ने देखा था, 11,000 का 10,620 पे हम लोगों ने देखा था इनिशियली इसका डेल्टा 16.2 था, लेकिन अभी आप समझो 10,200 अगर निफ्टी आ जाती है तो देखिए इसका डेल्टा जो गिर के कितना हो जाता। तो जैसे जैसे ये एक डेल्टा का फीचर है और इस चीज को अपने को समझने की जरूरत होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसी चीज को डेल्टा एक्सेलरेशन बोला जाता है, आउट ऑफ द मनी आते आते डेल्टा एट द मनी और फिर वो इन द मनी होगा तो पूरा वन हो जाएगा, तो इसी चीज को डेल्टा एक्सेलरेशन बोला जाता है। अब नेक्स्ट चीज है पोर्टफोलियो डेल्टा। पोर्टफोलियो डेल्टा क्या होता है इस चीज को भी समझिए। आपने निफ्टी का फ्यूचर का एक लॉट लिया है, एक लॉट में 75 निफ्टी होती है और इसका डेल्टा जो है वो 75 होता है, क्योंकि 1 × 75, क्योंकि डेल्टा 1 है, 75 निफ्टी आपके पास है तो इसका डेल्टा 75 है। सिमिलरली आपने निफ्टी का समझिए अभी वैल्यू 10,000 है, आपने 10,000 का कॉल खरीद लिया, 10,000 के कॉल का कितना लॉट साइज है, 75 लॉट साइज है, इसका डेल्टा कितना है, 0.5 है। तो एक लॉट 10,000 कॉल के निफ्टी का डेल्टा कितना हुआ, टोटल डेल्टा 75 × 0.50 यानी कि 37.25। समझ में आया आपको, 37.5। अब अगर आपको इसको निफ्टी के बराबर लाना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो डेल्टा है
वो भी 75 हो जाए, आपको मूवमेंट मिले ऑप्शन के बराबर, तो आप क्या करोगे, एक लॉट के बदले, तो एक लॉट का टोटल डेल्टा ऑफ वन लॉट है 37.5 जो है एक लॉट का टोटल डेल्टा है। अब आप दो लॉट निफ्टी खरीद लोगे, दो लॉट 10,000 का कॉल मैं खरीदूंगा तो मेरे पास 150 निफ्टी के ऑप्शन हो जाएंगे, जिसका डेल्टा ये होगा 0.5 और हमारा टोटल डेल्टा 75 हो गया। तो अब देखिए आपके पोर्टफोलियो डेल्टा जो आपका है वो फ्यूचर के बराबर है। तो अब अगर एक पॉइंट निफ्टी बढ़ता है तो आपका फ्यूचर भी 1 रुपया बढ़ेगा और आपका कॉल भी 1 रुपया बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने एक कॉल खरीद के रखा होता तो एक पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ता तो आपका जो टोटल कॉल है वो 37 रुपये ही बढ़ता। तो इस तरह से पोर्टफोलियो डेल्टा खोजा जाता है। तो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डेल्टा पता लग जाए तो आपको अपना एक्सपोजर पता चल जाता है कि अगर निफ्टी 1 रुपये बढ़ती है तो मेरा टोटल एक्सपोजर कितना है, मेरा कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा। तो ये अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो समझिए आपने 10 लॉट जो है कॉल खरीद रखी है 10,000 की, तो आपका टोटल डेल्टा कितना हुआ, 10 × 75 × 0.50, इसका मतलब कितना हुआ आपका डेल्टा, आपका डेल्टा हो गया 10 × 75 × 0.50। अगर आप करोगे तो आपका डेल्टा हो गया 375। तो आपने अगर 10 लॉट निफ्टी खरीदी है, आपका डेल्टा 375 है, तो अगर एक पॉइंट निफ्टी बढ़ता है तो आपका ऑप्शन का जो टोटल है वो 375 रुपया बढ़ेगा 10 लॉट में, और एक पॉइंट अगर निफ्टी गिरता है तो आपको 375 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि आपके टोटल पोर्टफोलियो का डेल्टा 375 है। तो आइए इसको एक बार दिखा देता हूं मैं आपको चार्ट पे भी। तो अब यहां पर देखिए आपने 10,000 के कॉल 10 लॉट लिए हैं और अभी 10,600 पे निफ्टी है, तो आपने बाई कर रखा है। अभी आपका टोटल प्रोजेक्टेड लॉस यहां पर दिखा रहा है 150 और आपका जो टोटल डेल्टा है 625, मतलब कि 1 रुपये अगर निफ्टी बढ़ेगा, आप ध्यान से देखिए 1 रुपये अगर निफ्टी बढ़ेगा तो आपको 625 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि आपके टोटल डेल्टा जो है आपका पोर्टफोलियो का डेल्टा 625 है। तो देखिए मैं 1 रुपये इसे बढ़ा देता हूं तो 625 रुपये का फायदा, और फिर 1 रुपये बढ़ा देता हूं तो इसमें 625 रुपये जुड़ जाते हैं। और यही आपने अगर एक ऑप्शन खरीदा होता तो देखिए यहां पर आप देखिए ये 10,100 का कॉल मैंने एक खरीद रखा है और एक कॉल का डेल्टा जो है वो 59 रुपीज है, तो निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा, निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगा तो मेरा 59 रुपीज ही बढ़ेगा। तो मेरे इस का टोटल पोर्टफोलियो डेल्टा 59.6 था और मेरे 10,000 के कॉल का टोटल पोर्टफोलियो डेल्टा 625 था, क्योंकि 10 लॉट मैंने खरीदे थे और यहां पर एक लॉट मैंने खरीद रखा है। तो इस तरह से हम पोर्टफोलियो डेल्टा निकालते हैं। वैसे ही अगर आपने मल्टीपल लेग्स बाय कर रखे हैं, खरीद रखे हैं, तो देखिए जैसे मैंने यहां पर एक मल्टीपल लेग्स को एक्टिवेट कर दिया, तो देखिए ये इसमें बहुत सारे लेग्स खरीदे हुए भी हैं, बहुत सारे लेग्स बेचे हुए भी हैं। अब यहां पर देखिए इतना सारा झोल झाल है, इतना सारा लेग्स खुले हुए हैं, बंद है। तो अब यहां पर मैं देखता हूं, देखिए मेरा इसके बाद टोटल डेल्टा 644 है, तो अब इतने लेग्स को खोलने के बाद भी मेरा डेल्टा 644 है, तो अभी निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा तो इन सब डेल्टा को लेके मेरा प्रॉफिट 644 बढ़ेगा। अगर फिर निफ्टी 1 रुपया बढ़ता है तो इन सब कॉल्स के और पुट्स के डेल्टा का इफेक्ट को लेकर मेरा प्रॉफिट जो है 1 रुपया बढ़ेगा। तो इस तरह से आपके ये टोटल ऑप्शन के प्राइस का, ऑप्शन के पोर्टफोलियो का डेल्टा यहां पर ऐसे कैलकुलेट हो जाता है और इस तरह से आपको ये दिखना शुरू हो जाता है। ये कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको यही सॉफ्टवेयर यूज करना है, ये कोई भी स्टैंडर्ड ऑप्शन के सॉफ्टवेयर को आप यूज करो आपको मिल सकता है ये। और उसके बाद एक चीज होती है डेल्टा प्रोबेबिलिटी। डेल्टा प्रोबेबिलिटी मतलब कि आपने जो डेल्टा खरीद रखा है, समझिए आपने अभी निफ्टी 10,000 पे चल रहा है, एक एग्जांपल 10,000 पे निफ्टी है, निफ्टी ट्रेडिंग एट 10,000, तो आपने अगर 10,000 का कॉल खरीद रख आपने 10,000 का कॉल खरीदा आपने 10,000 का कॉल खरीदा इसका जो डेल्टा है वो 0.5 है,
और आपने एक 10,500 के का भी कॉल खरीद लिया, इसका डेल्टा 0.25 है, और आपने एक 11,000 का भी कॉल खरीद लिया, इसका डेल्टा 0.10 है। तो इसका मतलब ये होता है कि 10,000 के कॉल का इन द मनी होने का जो चांसेस हैं, या तो आप इसे बोलिए निफ्टी अभी 9,500 चल रही, 9,900 चल रही है, 9,900 चल रही है, ओके, निफ्टी 9,900 चल रही है। तो अभी आपने 10,000 का कॉल खरीदा, 10,500 का कॉल खरीदा और 10,000, 11,000 का कॉल खरीदा, तो ये डेल्टा का मतलब ये होता है कि 10,000 के कॉल का इन द मनी होने का जो चांस है वो 50% है, 10,500 के कॉल का इन द मनी होने का चांस 25% है, और 11,000 के कॉल का इन द मनी होने का चांस 10% है। क्योंकि आप यहां पर देखो कि 9,900 से निफ्टी 11,000 आए कितने दिन के अंदर, समझिए 15 दिन है डे टू एक्सपायरी, 15 दिन डे टू एक्सपायरी है, 15 दिन के अंदर 9,900 से 11,000 तक निफ्टी आए उसका चांस 10% है, लेकिन 15 दिन से, 15 दिन में निफ्टी 9,900 से 10,500 आए उसका चांस 25% है, लेकिन हाँ 15 दिन के अंदर निफ्टी 9,900 से 10,000 तक आ जाए उसका चांस तो 50% है ही। तो इसीलिए डेल्टा जो होता है वो प्रोबेबिलिटी भी होता है। कि प्रोबेबिलिटी क्या है जी, हम लोगों ने जो ऑप्शन खरीदा है वो इन द मनी हो जाएगा, तो इससे डेल्टा को आप प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हो। तो इसीलिए जब हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते हैं जनरली वो हमें चीप लगते हैं, सस्ते लगते हैं, लेकिन आप देखोगे इनका जो डेल्टा होता है वो कभी 0.05 भी होता है। तो अभी आप सोचो इसका इन द मनी होने के प्रोबेबिलिटी केवल 5% ही है, मतलब कि जब इसका डेल्टा पिकअप करेगा, जब इसका डेल्टा जो 0.5 पे होगा, जहां डेल्टा एक्सेलरेशन होना शुरू होगा, उसका जो चांस है वो सिर्फ 5% ही है, आपको समझना चाहिए। तो इसको हम डेल्टा प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये आपका पूरा डेल्टा मैंने यहां पर कवर कर दिया, और होपफुली मेरे को ये पूरा विश्वास है कि आपको डेल्टा पूरा क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप इस मॉड्यूल को कई बार देखिए, आपको डेल्टा के बारे में सब चीज समझ में आ जाएगी। जाके प्रैक्टिस करना शुरू करिए, जैसे मैं यहां पर अलग चार्ट पे प्रैक्टिस करके देखना शुरू करिए, प्राइस को ऊपर नीचे करिए, ये जो स्पॉट प्राइस को ऊपर नीचे करिए, पुट यहां पर पुट खरीदिए, यहां पर सेल खरीदिए, मतलब एक ये स्ट्रैटेजी बिल्डर है, ये स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन में सब कोशिश करिए, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ये चीज समझ में आएगी और उतना ही आप इसमें मास्टरी कर पाओगे। देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको श्योर बता देता हूं, अभी आप देखोगे आधा घंटा बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इसे रोज प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लगेगा, जब आप ट्रेडिंग करोगे, आप जब पोजिशन लोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई मेरा डेल्टा इतना है तो इसका मतलब ये होता है, आप रियल टाइम में इफेक्ट देखोगे। तो ये हमारा डेल्टा के बारे में एक सेशन था, नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे दूसरा ग्रीक जो है थेटा, मतलब कि टाइम वैल्यू।